दोस्तों आज टेंस पार्ट थर्ड। इसके पहले दो पार्ट में मैंने कुछ जानकारी दी है कि टेंस के प्रकार और उनकी सहायक क्रियाएं। टेंस टोटल 12 होते हैं, 12 का पहचान और 12 की सहायक क्रिया हमने बताई थी। आज पार्ट थ्री देखिए। हम इस पार्ट में बताएंगे कि अंग्रेजी में हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें आ जाए कि अंग्रेजी आ जाए, अंग्रेजी आसान हो जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अंग्रेजी जानने के लिए 5 महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लड़के को ये 5 चीजें आ जाए तो निश्चित रूप से उसे अंग्रेजी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। आइए देखते हैं ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, कर्ता, क्रिया, कर्म, वाक और पहचान। कितनी उंगलियां होती हैं? 5, गिनी चुनी उंगलियां 5। कर्ता, क्रिया, कर्म, वाक्य, पहचान। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस, रिकग्निशन। तो हमने ये रिकग्निशन पहले ही बता चुका है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। रिकग्निशन मीन्स टेंस का पहचान और उनकी सहायक क्रिया, जैसे ता है डू डज, ता था डिड, गा गे गी विल सेल, रहा है इजेमा, रहा था वाज बे, रहा होगा विल बी सेल बी, चुका है जे, चुका था हैड, चुका होगा विल हैव सेल है, समय रहा हैज बीन हैव बीन, समय रहा था हैड बीन, समय रहा होगा विल हैव बीन सेल हैव बीन। तो ये हमने ऑलरेडी बताया है, आपको ये लर्न कर लेना चाहिए था। अगर बाय द वे नहीं लर्न कर पाए हैं तो प्लीज इसे लर्न कर लीजिए। अगर अंग्रेजी जानना है, अनुवाद जानना है, तो निश्चित रूप से लर्न करना ही पड़ेगा। तो आइए बाकी देखें। कर्ता, क्रिया, कर्म। दोस्तों सबसे पहले हमें क्रिया का ज्ञान रखना चाहिए। सबसे पहले 5 चीजों में से व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू बी लर्न्ड, आई विल सर्टेनली से दैट दैट इज वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न अबाउट वर्ब। अगर वर्ब लर्न कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत आसानी से लर्न कर लेंगे। देखिए क्रिया को पहचानना बहुत आसान है, या किसी भी वाक्य के अंत में रहती है, किसी भी वाक्य के अंत में रहती है और मूल रूप से क्रिया में ना लगा रहता है। आप कह सकते हो ना माने क्रिया, ना माने क्रिया। आना जाना, लिखना पढ़ना, उठना बैठना, नहाना धोना, मारना पीटना, खरीदना बेचना, मुस्कुराना, रोना धोना, दुनिया थकठेना, ये सब क्या है? क्रिया है। ना माने क्रिया, ये क्रिया जो है 2 प्रकार की होती है। क्रिया जो है 2 प्रकार की होती है। दोस्तों जैसे हम आना लिख दें, आना, आना एक क्रिया है, क्रिया की मूल धातु है। इसी आना से बहुत सारे क्रिया बनते हैं, जैसे आना से आता है, आ रहा है, आ चुका है, 2 घंटे से आ रहा है, आया, आया था, आ चुका था, आ रहा था, आएगा, आ रहा होगा, आ सकता है, आना चाहिए, आना पड़ेगा। तो आना से ही इतनी सारी क्रियाएं बनी है। तो ये क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक एकवचन क्रिया, एक बहुवचन क्रिया, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। थोड़ा सा इसको क्लियर सावधानी पूर्वक सुनिए और ध्यान दीजिए कि कोई भी क्रिया हमेशा बहुवचन होती है, कोई भी क्रिया हमेशा बहुवचन होती है। ऑल द वर्ब्स आर ऑलवेज इन प्लूरल नंबर, ऑल द वर्ब्स आर ऑलवेज इन प्लूरल नंबर। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। सारी क्रियाएं हमेशा बहुवचन होती है। अगर कहा जाए गो ये कैसी क्रिया है, तो आप सीधा बोलिए ये प्लूरल है, बहुवचन है। कोई भी क्रिया हमेशा बहुवचन होती है। क्रिया 2 प्रकार की, एक एकवचन क्रिया, एक बहुवचन क्रिया।
तो बहुवचन क्रिया रीड माने पढ़ना, राइट माने लिखना, प्ले माने खेलना, जंप माने कूदना, ये सब वर्ब जो है बहुवचन है। वह जितने भी क्रिया आप बोलते जाएंगे ये सब बहुवचन कहलाएंगे। कहने का मतलब बहुवचन क्रिया में कभी यश नहीं लगता, जिस क्रिया में यश न लगा हो बहुवचन कहलाता है। और अगर बहुवचन की क्रिया है रीड बहुवचन है, अगर इसी में यश जोड़ दीजिए तो एक वचन हो जाती है। बाय एडिंग यश अ वर्ब बिकम्स सिंगुलर। यश लगा देने से कोई भी क्रिया बहुवचन हो जाती है। बाय इरेजिंग यश अ वर्ब बिकम्स प्लूरल। यश हटाओ बहुवचन बनाओ, यश लगाओ एक वचन बनाओ। रीड से, राइट से, प्लेज, जंप से, वीप से, ये सब क्या है एक वचन क्रिया। यश लगाने से क्रिया एक वचन बन जाती है, यश न रहे तो वह क्रिया बहुवचन हो जाती है। मुझे आशा ही नहीं और विश्वास है कि आप इसे